गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आप लोगों का जो टेस्ट कंडक्ट हुआ, दैट मीन्स कल संडे को जो आपका टेस्ट कंडक्ट हुआ, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैंने पेपर जो है वो एनाटॉमी ऑफ लीफ तक को डाला है। आई होप आपके पेपर अच्छे हुए होंगे अगर आपने रिवीजन किया होगा अच्छे से तो। और परसों तक भी मैंने ये सारे टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर दिया था। अब आप इसके बाद की जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे और आपके बीच में इंटरेक्शन का सिर्फ यही एक मीडियम बचा है। आप तो हमें सुन सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आपका रिप्लाई सिर्फ हम वीक में दो ही दिन, डैट मीन्स की जो डाउट सेशन होता है, अगर नेटवर्क साथ सही से देता है तो हम लोग जो है वो कुछ डिस्कस कर पाते हैं, अदरवाइज वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी चलिए, आप सभी को नवरात्रि की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए अब इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है, इस चैप्टर का एक लास्ट पोर्शन बचा है, वो है सेकेंडरी ग्रोथ। क्या है तो सेकेंडरी ग्रोथ, तो आज का हम लोग हेडिंग देंगे सेकेंडरी ग्रोथ। देखिए बेटा, ये जो टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ एक डाइकोट प्लांट का और खास करके जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन गर्थ। कोई भी प्लांट सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ करता है और देन आफ्टर वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। प्राइमरी ग्रोथ के लिए आप जानते हो कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम इंक्रीज द लेंथ इन प्लांट, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। एंड लैटरल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ, दैट मीन्स थिकनेस, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और वो लैटरल मेरिस्टेम के थ्रू ऐसा होता है। सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन या अकर्स इन डाइकॉट प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म, रूट एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, बट इट इज अब्सेंट इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो यही सारी बातें जो है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब बस यही है कि जो प्लांट का थिकनेस यानी जो चौड़ाई बढ़ती है, प्लांट कोई प्लांट का स्टेम इतना चौड़ा होगा, कोई प्लांट का स्टेम इतना चौड़ा होगा, तो ये जो चौड़ाई बढ़ी है दिस इज ऑनली ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, उसी को कहते हैं हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो चलिए कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट, प्राइमरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूटिंग प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी भी प्राइमरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट, प्राइमरी मेरिस्टेम यहां पर प्राइमरी मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम कंट्रीब्यूट इन प्राइमरी ग्रोथ, कंट्रीब्यूटिंग प्राइमरी ग्रोथ whereas lateral meristem, lateral meristem contribute in secondary growth, lateral meristem contribute in secondary growth। यहां तक की ये सब बातें जो है वो पहले बात तो ये समझ गया, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या और लैटरल मेरिस्टेम क्या है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है। मेरिस्टेमेटिक वर्ड जहां पे लगा यानी मेरिस्टेम लगा यानी उसमें डिवीजन करने की टेंडेंसी होगी। अब आइए यहां पर लिख लेते हैं हम लोग पहले कि
सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन सेकेंडरी ग्रोथ किसमें मिलता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन डाइकॉट प्लांट या रूट एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट प्लांट, पूरा लिख देता हूं, स्टेम एंड रूट ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, बट इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, लेकिन ये एब्सेंट होता है बेटा किसमें? तो मोनोकॉट के प्लांट में ये एब्सेंट होता है, तो वही लिख रहा हूं कि बट इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट प्लांट, ये एब्सेंट है किसमें? मोनोकॉट प्लांट में। ओके, अब आइए देखो प्राइमरी ग्रोथ कहते किसको है और सेकेंडरी ग्रोथ कहते किसको है। तो कहते हैं द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ, द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इंक्रीज गर्ल कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो उसे क्या कहेंगे बेटा? सेकेंडरी ग्रोथ, यानी सिंपल वे में समझ लीजिए, ये एक बार पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये प्लांट है। ओके, और प्लांट में ये जो है वह रूट है, ये रूट है। अब ये देखो ये जो थिकनेस है इसका यहां से यहां, दिस इज कॉल्ड गर्थ या थिकनेस, गर्थ, एंड इसी को क्या कहेंगे? ये कैसे हुआ है थिकनेस, कैसे गर्थ बड़ा है? तो ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ, किसके वजह से? सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। और ये जो लेंथ यानी प्लांट की लंबाई जो बढ़ी है प्लांट के रूट या शूट की कोई भी चीज की, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। और हम क्या कह रहे थे सेकेंडरी ग्रोथ किसके वजह से हुआ? तो सेकेंडरी ग्रोथ लैटरल मेरिस्टेम और प्राइमरी ग्रोथ प्राइमरी एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम। हो गई बात है क्लियर? तो पहले यहां तक की बात है क्लियर कि चलो भाई ये किसकी वजह से और ये किसके वजह से। अब इतनी जब बातें समझ गए और हम कह रहे हैं कि मोनोकॉट में ये चीज एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ डाइकॉट के प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है। जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ा रहा था तो वहां भी जिम्नोस्पर्म में आपको यही बातें बताया हूं। ऐसा नहीं कि ये सब बातें पहली बार हो रही हैं, ये सारी बातें चैप्टर के स्टार्टिंग में कई बार गुजर चुकी हैं हम लोगों से, बस टॉपिक के रूप में ये अब डिस्कशन में आया है। तो टॉपिक अब स्टार्ट हुई थी, इसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं हम लोग नए सिरे से एकदम, आप क्या जानते हैं वो डजंट मैटर है, लेकिन यहाँ पर वो सारी बातें पहले डिस्कस कर ली है। अब आइए इसके बाद देखो कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है कौन कौन, तो देखिए
इंटर फैसिकुलर कैंबियम इंट्रा फैसिकुलर कैंबियम एंड कॉर्क कैंबियम। ये सब कैंबियम, इंटरफैसिकुलर कैंबियम, इंट्राफैसिकुलर कैंबियम एंड कॉर्क कैंबियम, ये सभी क्या है? आर लैटरल मेरिस्टेम दैट पार्टिसिपेट इन लैटरल मेरिस्टेम दैट पार्टिसिपेट इन, किसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो सेकेंडरी सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में पार्टिसिपेट करने वाला ये सब क्या है? कैंबियम है। अब देखो, कहते हैं कि जब प्राइमरी मेरिस्टेम हो जाता है तब जाकर के सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है वह एक्टिव होता है। तो आफ्टर दी पहले, यानी पहले कभी भी एक्टिव होगा तो प्राइमरी मेरिस्टेम होगा। तो आफ्टर दी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम दी लैटरल मेरिस्टेम becomes active। तो जब भी पहले प्राइमरी मेरिस्टेम एक्टिव हो जाएगा, यानी वो अपना स्टार्ट कर लेगा काम, तब लैटरल मेरिस्टेम जो है वह एक्टिव होगा, becomes active and start to divide form। एक्टिव होकर क्या करेगा? स्टार्ट टू डिवाइड। तो यहां तक लिखें, becomes active and start to divide form secondary tissue। तो वो डिवाइड करके क्या करेगा? सेकेंडरी टिश्यू बनाएगा, जिससे क्या होंगे? सेकेंडरी टिश्यू इंक्लूड होकर के बनेंगे। और सेकेंडरी टिश्यू में कौन आते हैं? तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, तो कहते हैं सेकेंडरी टिश्यू इंक्लूड secondary flowam, medullary ray, और साथ ही साथ cork and secondary cortex, medullary ray and secondary cortex, क्योंकि प्राइमरी कॉर्टेक्स किससे बन जाएगा? प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स सेकेंडरी मेरिस्टेम से मिलकर बनेगा। पहले यहां तक की बातें जो है वह क्लियर हो गई। तो इसमें यह सारा चीज, और यही जो ये सारे मिलकर के कंस्टिट्यूट होकर के कौन? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, मेडुलरी रे, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स कंस्टिट्यूट होकर के क्या बनाते हैं? गर्थ, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो यही से क्या बनाएंगे? सेकेंडरी ग्रोथ।
दे कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म सेकेंडरी बॉडी ऑफ डाइकॉट सेकेंडरी बॉडी ऑफ डाइकॉट प्लांट दैट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी ग्रोथ की अगर बात होगी तो उसमें क्या क्या इंक्रीज हो गए, क्या क्या बन आएंगे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, मेडुलरी रे, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये इतनी बातों को याद रखना है आपको। ओके, अब चलिए, तो अब हम लोग हेडिंग देंगे। सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम के प्लांट, डाइकॉट प्लांट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। डाइकॉट के स्टेम में आप एक चीज जानते हो कि कैम्बियल रिंग बनते हैं, यानी दो वास्कुलर बंडल आपस में जुड़े होते हैं और वो कैम्बियल रिंग ही जो है यानी एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आया वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वास्कुलर बंडल को जोड़ने वाला यानी इस तरह से समझो कि यह एक वास्कुलर बंडल है और ये वास्कुलर बंडल में इधर जाइलम और इधर फ्लोएम, और ये दूसरा वास्कुलर बंडल इधर समझ लो जाइलम और इधर फ्लोएम। तो चूंकि और ये दोनों वास्कुलर बंडल को जोड़ने वाला इस तरह से जो रिंग है, तो इसके अंदर में जो कैम्बियम है इसी को कहते हैं हम लोग इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम, और दो वास्कुलर बंडल को जोड़ने वाला यहां जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर बंडल के अंदर में जो एक पैचेस के रूप में होता है, और दो वास्कुलर बंडल को ये रिंग फॉर्म इस तरह से जोड़ने वाला, तो इसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर। ओके, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो पहले ये डिफरेंस तो समझिए कि क्या होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और क्या होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। चलिए पहले ये बातें समझ गए हम लोग, इसके बाद में आइए तो नॉर्मल डाइकोट स्टेम में कैसे फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी ग्रोथ ग्रोथ इन स्टेम अकर्स एज किस फॉर्म में, तो वह कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, तो उस तरह से हम लोग इसको या सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम टेक्स प्लेस एच और किस फॉर्म में, तो आइए ए बी सी ऐसे करके तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, यानी सबसे पहले क्या करेगा फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, तो सबसे पहले कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, क्या कर लेगा, पहले कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे भाई, तो देखो वास्कुलर बंडल में, वास्कुलर बंडल पहले क्या होते हैं एक रिंग में, एक रिंग लाइक मैनर में ग्राउंड द सेंट्रल पीच में
और वास्कुलर होता कैसा है, कोज्वाइंट एंड कोलैटरल होते हैं, खास करके ये डाइकोट के स्टेन में, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए वास्कुलर बंडल आर कॉन्ज्वाइंट ओपन। कॉन्ज्वाइंट और ओपन है, इसका मतलब क्या है कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में क्या है, तो कैम्बियम है, ए पैचेज ऑफ कैम्बियम, सिंगल पैचेज ऑफ कैम्बियम है उसमें। एंड वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन ए रिंग मैनर, एंड वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग मैनर, अरेंज इन ए रिंग मैनर, आर अरेंज इन ए रिंग, वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन ए रिंग मैनर। वास्कुलर बंडल जो है वो एक रिंग के फॉर्म में मैनर में अरेंज होता है। अब क्या कह रहे हैं कि कैम्बियम या एक पैसेज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, दैट इज कैम्बियम, ओके। तो ये पैचेज क्या है, उसके पास पोजेसेस होता है, और वर्ड यहाँ पर ओपन है, वास्कुलर बंडल है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के का फीचर जो है उसमें ओपन है। जब क्लोज लिखते हैं कि कॉन्जॉइंट क्लोज, जो कि मोनोकॉट में होता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ का फीचर क्लोज है, तो ये टर्म हम आपको पहले बता चुके हैं कि ओपन यानी कॉन्जॉइंट ओपन का मतलब क्या और कॉन्जॉइंट क्लोज का मतलब क्या, ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ये चीज याद रखना होगा हमेशा के लिए, फ्यूचर के लिए, ओके। तो कहते हैं पैचेज ऑफ कैम्बियम, पैचेज ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट, पैचेज ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम एंड बिटवीन वास्कुलर बंडल दैट इज इंट्रा फैसिकुलर एंड, हाँ पहले इंट्रा आएगा, एंड इंटर इंटर फैसिकुलर इंट्रा फैसिकुलर एंड इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग। अब ये जो होते हैं ये ग्रोथ करके यही क्या करते हैं, ये पैचेज को ज्वाइन करते हैं, दैट डिवाइड टू इंक्रीज, दैट डिवाइड टू इंक्रीज पैचेज एंड फॉर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यही जो है वो डिवाइड करके क्या बना देंगे बेटा, तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम को बढ़ा देंगे, और इसके बीच में मेडुलरी रे, ये जो मेडुलरी रे हैं, मेडुलरी रे इन बिटवीन वास्कुलर बंडल, मेडुलरी रे प्रेजेंट बिटवीन
मेडुलरी रे प्रेजेंट बिटवीन वस्कुलर बंडल, यानी मेडुलरी रे जो है वह वस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है। ये भी बात हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये डिफरेंशिएट हो, क्योंकि ये मेरिस्टमैटिक नेचर का है, और यही डिफरेंशिएट होकर के ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा आपके ग्रोथ को, यानी प्लांट के ग्रोथ को। और इसके लिए चलिए एक दो मैं डायग्राम आपको थोड़ा दे देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगी बातें। ओके तो चलिए यहां तक अगर बात लिख लिए हैं, एक डायग्राम निकाल के देता हूं। You wait just 1 minute, मैं थोड़ा डायग्राम निकाल लूं। डायग्राम थोड़ा सा एनसीईआरटी से खोज के निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी पहले लिखने का काम करते हैं, इसमें डायग्राम क्लियर नहीं है, जो नोमेनक्लेचर इसका नाम दिया है वो सही से नहीं है। ओके चलिए ये डायग्राम जब तक बना लेते हैं। ठीक है अब आइए, तो अब देखो ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये इधर वाला पार्ट जो है ये हो गया प्राइमरी फ्लोएम। अब आप ये मत सोचना कि सर आप जाइलम में इस तरह से करते थे, इस तरह फ्लोएम में करते, बस जाइलम एंड फ्लोएम को डिफरेंशिएट करने का तरीका है। कैसे जानोगे कि ये जाइलम है या फ्लोएम, तो आज इस बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको ब्लैंक करके रख दिया, तो ये प्राइमरी फ्लोएम एंड दिस इज प्राइमरी जाइलम, और जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में यहां पर ये जो पार्ट है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको, चलो इसको लिख देता हूं इंटर फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक। और ये पार्ट अब जो हो गया ये हो गया प्राइमरी जाइलम, और ये पार्ट इंट्रा, और ये हो गया इंटर
फैसिकुलर कैम्बियम, ठीक। ये पिथ हो गया, मेडुलरी रे इसी को कह देंगे हम लोग। तब आइए जिसे आप कैम्बियल रिंग भी कह सकते हैं, हमने आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दिया है। अब जब ये ग्रोथ करेगा तब आइए हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। जब ग्रोथ करता है तो ये पहले डायग्राम आपने देख लिया कहां पे क्या क्या पार्ट है, वो स्ट्रक्चर भी बीच में ही बनाना पड़ेगा, थोड़ा इसे भी बड़ा बनेगा। बस डायग्राम बना के मैं आपको पूरी बातें समझा दूंगा। देखिए अब फिर से वो ये पार्ट, दिस इज कॉर्टेक्स, ये पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स हो गया। ये जो दिख रहा है ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया, ये जो पार्ट है ये कैम्बियल रिंग हो गया, और
प्राइमरी फ्लोएम, कैम्बियल रिंग, कॉर्टेक्स, और ये प्राइमरी जाइलम, ये पार्ट प्राइमरी जाइलम और ये वाला पार्ट, ये जो दिख रहा है ये अंदर वाला, थोड़ा सा एक मिनट, आपको छोटा पड़ जाएगा, डिफरेंशिएट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो दूसरी जगह कहीं और लिख दूंगा। तो ये समझ लीजिए, ये प्राइमरी की जगह इसको सेकेंडरी कर देता हूं। ये सेकेंडरी जाइलम, और ये जो दिख रहा है ये हो जाएगा प्राइमरी जाइलम, और वो सेकेंडरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, और ये जो पार्ट है यानी ये वाला बढ़ा हुआ पार्ट है, तो दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। अब मुझे देखो एक चीज यहां पर, अब आपको देखना है इंपॉर्टेंट बात ये कि जाइलम का ग्रोथ किधर की ओर हो रहा है। हमने पहले स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, और इस स्ट्रक्चर में हमने आपको ये पहले वाली स्ट्रक्चर है, ये क्या बोले थे, जाइलम, ओके, और ये क्या बोले थे, फ्लोएम। यहां पर देखो प्राइमरी फ्लोएम ये बाहर वाला पार्ट है, ठीक, तो सेकेंडरी फ्लोएम कौन होगा, इसके नीचे, यानी ये जो एक लेयर है इसके और इसके बीच में, यानी ये फ्लोएम के जस्ट नीचे वाला ये जो है इस तरह से है, दैट इज सेकेंडरी फ्लोएम। तो अगर ये फ्लोएम है तो फ्लोएम अपना ग्रोथ सेंटर की तरफ करता है, यानी अंदर की तरफ करता है। अगर ये फ्लोएम है, फ्लोएम डिवाइड करेगा किधर की ओर, बढ़ाएगा तो अंदर की ओर। कैसे, अब आप देखो कौन डिवाइड करेगा, यहां पर ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला पार्ट है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, और कैसे समझते हैं ये देखिए, ये जो फ्लोएम है बेटा, ये फ्लोएम यानी आइए, ये क्या था, ये इंट्राफेसिकुलर, और ये कैम्बियम है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यानी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच वाला पार्ट। अब ये बीच वाला पार्ट मान लो इतना ये कैम्बियम है, तो जब ये डिवाइड अंदर की ओर करता है, इधर की ओर डिवाइड करेगा तो क्या बढ़ा देगा, तो ये बढ़ाएगा उधर की ओर करेगा तो सेकेंडरी जाइलम, और ये डिवाइड इधर की ओर कर रहा है तो वो हो जाएगा, यानी आप ये देखो, फिर आप कंफ्यूज ना करो, पहले चलो ऐसे देख लो, ये तो समझ गए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो थोड़ा आपको समझना होगा, ये समझ गए इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये पार्ट क्या है, ये फ्लोएम है, ये पार्ट क्या है, ये जाइलम है, ओके, बीच में ये जाइलम फ्लोएम के बीच में ये कैम्बियम का रिंग है। तो कैम्बियम का रिंग मान लो पहले इतना साइज का था, और ग्रोथ करके डिवाइड करके अब वो इतना बड़ा हो गया, इंक्रीज किया ग्रोथ, तो यहां पर, और आप ये समझते हो इधर क्या है, जाइलम, और इधर क्या है बेटा, फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम है इसके नीचे में ये क्या बना है, क्योंकि ग्रोथ ये किया है ना, तो यहां पर बन जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और चूंकि ये जाइलम है तो पहले से ये जाइलम है, और इसके इधर क्या है, तो ये भी जाइलम, तो आधा पार्ट फ्लोएम का, आधा पार्ट जाइलम का। यहां पर वही चीज देखो कि प्राइमरी जाइलम बाहर की ओर है और सेकेंडरी, सॉरी, प्राइमरी फ्लोएम बाहर की ओर है और सेकेंडरी फ्लोएम अंदर की ओर है, जबकि प्राइमरी ये सेकेंडरी जाइलम जो है वह बाहर की ओर है और प्राइमरी जाइलम अंदर की ओर है। तो जाइलम किधर की ओर होगा, ये जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम हो गया तो ये प्राइमरी जाइलम हो गया, और ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया तो ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया। यही चीज समझना था, चलो
फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आपको, ये बात छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए बेटा मैंने क्या समझाया आपको, ये वस्कुलर बंडल है, वस्कुलर बंडल में एक तरफ जाइलम है और इस तरफ फ्लोएम है, एंड दिस इज कैम्बियम। ठीक, अब ये सेकेंडरी ग्रोथ किया तो ये क्या कर लिया, अब मान लो तो इसका साइज बड़ा बढ़ गया, अब ये इतना बड़ा हो गया। ओके, अब ये क्या हो गया, ये समझ लो जो फ्लोएम था इसका नाम दे दिए प्राइमरी फ्लोएम, और इधर ये जो जाइलम था इसका नाम दे दिए अब हम लोग प्राइमरी जाइलम। तो सेकेंडरी जाइलम किधर की ओर होगा, प्राइमरी जाइलम के इधर। समझ में आ रही है बात। तो इसका अब मान लो इसका ये ग्रोथ जो हुआ है इसका आधा पार्ट ये हो गया सेकेंडरी जाइलम और बाकी ये आधा पार्ट हो गया सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम का ग्रोथ किधर की ओर, यानी जाइलम अपना ग्रोथ किधर की ओर करता है, पेरिफेरल बाहर की ओर, और फ्लोएम अपना ग्रोथ किधर की ओर करता है, तो सेंट्रल। अब समझ में आई, अंदर की ओर और जाइलम बाहर की ओर, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम किधर बना है, ये अंदर है तो इसका बाहर ये है और ये बाहर है तो इसके अंदर ये है, यानी कि ये सेंट्रल की ओर और ये पेरिफेरल की ओर बना। यही है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब आपको कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर बहुत लोगों ने आज तक नहीं भेजा। ठीक, क्वेश्चन मेरा क्या था, क्वेश्चन मेरा यही था कि क्यों सेकेंडरी जाइलम के बगल में सेकेंडरी फ्लोएम होता है, या फिर जाइलम के जो जाइलम है उस जाइलम के पास जो भी जाइलम है ये जाइलम है और इस जाइलम के टुवार्ड द पेरिफेरल सेकेंडरी फ्लोएम होता है। तो एक का ग्रोथ पेरिफेरल, दूसरे का ग्रोथ अंदर की ओर, यही मेन रीजन है। और एक टाइम ऐसा आता है कि फ्लोएम कम हो जाता है और जाइलम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो जो प्लांट जितना ज्यादा पुराना होगा उसमें उतना ज्यादा ये ग्रोथ होगा। ओके, अब आइए चलिए। तो कहते हैं एक्टिविटी ऑफ योर कैम्बियल रिंग, ये जो एक्टिविटी अभी देखे हम लोगों ने वही है हमारा, पहले तो कैम्बियल रिंग, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, कैम्बियल रिंग बन गया, अब एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग। जो कैम्बियल रिंग बना है इंट्रा और फैसिकुलर, इंट्रा और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम के फॉर्म में वो एक्टिव है और वो डिवाइड करके क्या करते हैं, न्यू सेल को बनाते हैं, और कहां, तो टुवार्ड्स इनर साइड एंड आउटर साइड, और कैसे, बाय पेरिक्लिनल डिवीजन। तो इंट्राफेसिकुलर एंड इंटर फैसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डिवाइड पेरिक्लिनल डिवाइड पेरिक्लिनल टू इंक्रीज सेल्स, और सेल्स किधर किधर की ओर इंक्रीज करेंगे, तो वह अंदर एंड बाहर दोनों की तरफ नए सेल को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज सेल टुवार्ड्स इनर
एंड आउटर साइड दोनों तरफ, ना कि सिर्फ अंदर ना कि सिर्फ बाहर। ओके, अब वास्कुलर बंडल जो है यानी आप जानते हो जाइलम लाइज टुवर्ड्स द पिथ एंड फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। आइए जाइलम लाइज टुवर्ड्स, जाइलम लाइज टुवर्ड्स पिथ एंड फ्लोएम लाइज टुवर्ड्स पिथ और सॉरी टुवर्ड्स पेरिफेरी, टुवर्ड्स पेरिफेरी। और ये एक जो है वो पिथ की तरफ जाइलम और फ्लोएम जो है वो अंदर की तरफ क्या करता है प्रेजेंट होता है। यानी ऑब्वियस ही बात है बेटा कि जब एक बढ़ेगा तो एक अंदर की ओर बढ़ेगा दूसरा बाहर की ओर बढ़ेगा। लिखते हैं द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स 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 सेंट्रल एंड मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम where as towards periphery is secondary जाइलम। तो उसको फिर क्या कह देंगे हम लोग, उसी को कहेंगे हम लोग सेकेंडरी सेकेंडरी जाइलम। बाहर की ओर यानी ओके ओके, अगर आप ऐसे देखेंगे थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं द सेल कट ऑफ टुवर्ड्स सेंट्रल एंड सेंट्रल टुवर्ड्स पहले पेरिफेरी एंड मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम के बाद में ही आता है सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, सेकेंडरी जाइलम के बाद में आता है यानी जाइलम के बाद में आता है सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको सेंटेंस बाद में पढ़ने में कंफ्यूजन होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। चलिए इसको लिखते हैं दी से कट ऑफ बाई कैम्बियल रिंग, कट ऑफ बाई कैम्बियल रिंग टुवर्ड्स पेरिफेरल टुवर्ड्स पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ जो कट ऑफ हुआ है। ग्रोथ की नहीं, हम लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं, जो कट करके अलग होंगे कट ऑफ या सेपरेट हुआ है कैम्बियल रिंग टुवर्ड्स पेरिफेरी या टुवर्ड्स पिथ पहले कर दो टुवर्ड्स पिथ एंड फॉर्म इनटू पिथ एंड फॉर्म इनटू सेकेंडरी जाइलम। क्या कहेंगे उसको, फॉर्म सेकेंडरी जाइलम वेयर एज सेल कट ऑफ, कट ऑफ यानी फिर से सेपरेट होगा
सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी, सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी, पेरिफेरी इनटू सेकेंडरी फ्लोएम। तो एक सेकेंडरी जाइलम बन गया और एक सेकेंडरी फ्लोएम बन गया। अब कहते हैं कैंबियम जो होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये जो चले थे ये बी पार्ट हुआ, अब आइए सी पार्ट। द कैंबियम इज जनरली मोर एक्टिव, कैंबियम जो होते हैं बेटा वो ज्यादा एक्टिव होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अभी हम क्या बोले थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जाइलम ज्यादा हो जाएगा फ्लोएम बहुत कम होगा। क्यों? अब कैंबियम जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है अंदर की तरफ एज कंपेयर टू बाहर। धीरे धीरे जाइलम का नंबर बढ़ते चला जाएगा और फ्लोएम जो है वो घटते चले जाएंगे। तो कहते हैं कैंबियम रिंग इज मोर एक्टिव, द कैंबियम रिंग इज मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन आउटर साइड। द कैंबियम रिंग इज मोर एक्टिव ऑन इनर साइड देन आउटर साइड, और इसके रिजल्ट क्या होते हैं? That result into xylem is more than phloem, xylem is more than phloem, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि secondary xylem produce is more than secondary phloem। चलो ऐसे ही लिख देता हूं किसी चीज को, रिजल्ट इन टू सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। तो सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम से। ड्यू टू दिस कैम्बियल रिंग एक्सपेंड टूवर्ड्स पेरीफेरी, और जिसके वजह से कैम्बियल रिंग जो पेरीफेरी बाहर की तरफ है ज्यादा एक्सपेंड करेगा, ज्यादा बढ़ेगा, एक्सपेंड टुवर्ड्स पेरिफेरी। द प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो धीरे धीरे क्रस्ट होते चले जाएंगे। तो कहते हैं दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रस्ट, the primary and secondary phloem crust due to this growth, यानी इस growth की वजह से primary और secondary जो xylem है, primary और secondary जो phloem है वो मरेंगे, खत्म होंगे, crust हो जाएंगे, बर्बाद होंगे, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, मरने का सेंस हालांकि नहीं, मतलब एक तरह से फ्लोएम के ऊपर में जाइलम का ग्रोथ हो गया तो फ्लोएम खत्म हो जाएगा। तो फ्लोएम का नंबर डे आफ्टर डे डिक्रीज होते चले जाएंगे ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ या ड्यू टू एडिशन ऑफ जाइलम। एंड फाइनली मोर जाइलम इन ओल्डर प्लांट देन फ्लोएम। तो एक फाइनली जो ओल्डर, जितना प्लांट ओल्डर होगा उसमें ऐसा नहीं कि सारे के सारे फ्लोएम खत्म हो जाएंगे, अगर ऐसा होगा सारा फ्लोएम खत्म होगा तो प्लांट के उस भाग में फूड का कंडक्शन नहीं होगा और फाइनली प्लांट डेथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है,
लेकिन नंबर डे बाय डे क्या होंगे, धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। ओके, अब आइए कहते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रे का, तो उस प्लेस पे सेकेंडरी मेडुलरी रे, सिर्फ मेडुलरी रे लिखेंगे तो वो प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी मेडुलरी रे। तो कहते हैं कि कुछ प्लेसेस पे एट सम प्लेसेस सम पैचेज ऑफ सम पैचेज ऑफ पैरेन्काइमा, यानी पैरेन्काइमा के जो कुछ पैचेज हैं, पैचेज या बैंड, पैचेज ऑफ पैचेज और बैंड भी लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो, पैचेज और बैंड ऑफ और पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है तो आप याद रखें क्योंकि मेडुलरी रे में वहां पर भी पैरेन्काइमेटा सेल ही था, पासेस थ्रू थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, कहां से पास हो रहा है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से पास हो रहा है। तो क्या किस डायरेक्शन में, फ्लोएम लिख के डॉट दिया मतलब पीएच मतलब फ्लोएम है इन दी रेडियल डायरेक्शन में, तो पास हो रहे हैं इन दी रेडियल डायरेक्शन, दी नैरो बैंड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कहते हैं दी नैरो बैंड पासेस फ्रॉम सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी, और इसी को क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेडुलरी रे। देखिए बेटा, तो सेकेंडरी मेडुलरी रे तक बात हो गई, सेकेंडरी मेडुलरी रे का फॉर्मेशन हो गया है, तो प्राइमरी जाइलम के बाद प्राइमरी ये सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम के बाद सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी मेडुलरी रे, यानी जो सिर्फ मेडुलरी रे लिखते थे तो उसके बाद में सेकेंडरी मेडुलरी रे, ये सारी चीजें का फॉर्मेशन जो है वह बन गया है। एंड सेकेंडरी मेडुलरी ये मेडुलरी रे को ही हम लोग वास्कुलर रे कहते हैं, तो इसी को ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेडुलरी सेकेंडरी नहीं वास्कुलर रे, ऑल्सो कॉल्ड वास्कुलर रे, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, तो वास्कुलर रे भी बोल देते हैं। अब यहां तक कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम का पार्ट पूरा हो गया, इसके बाद में हम लोगों को देखना है ऑटोमन वुड, ये सैक वुड, ऑटोमन वुड, हार्ड वुड, सॉफ्ट वुड, ये सब पार्ट जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो कल हम लोग देखेंगे कैसे विंटर सीजन में प्लांट का ग्रोथ अलग होता है और ऑटोमन सीजन में प्लांट का ग्रोथ अलग होता है, यानी स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, तब तक ये बातों को एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि चैप्टर का टेस्ट कंप्लीट हो गया तो आपको अब इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है,
ये चैप्टर आपके सिलेबस का हिस्सा है और उसका लगभग अभी 80% या 90% पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी 10% बाकी है और कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।